रुपए चंडीगढ़ सेक्टर 17 से रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाने के और 10 रुपए रिकॉर्डिंग स्टूडियो से वापस घर चंडीगढ़ सेक्टर 17 आने के और 10 रुपए कुछ खाने पीने के। 30 रुपए मिलते थे बी प्राक को। 2 साल तक उनके पापा रोज उन्हें 30 रुपए देते रहे जब वो म्यूजिक सीखने जाते थे। ऐसा नहीं था घर पे किसी चीज की कमी थी, लेकिन पिताजी चाहते थे कि बेटा जो है वो तप के कुछ बने। इसलिए आज जिन बी प्राक के गाने 300 मिलियन भी बहुत जल्दी क्रॉस कर जाते हैं, वो कभी 30 रुपए में गुजारा चलाया करते थे। असली नाम प्रतीक बच्चन। प्रतीक बच्चन प्रैकी कैसे बना और फिर प्रैकी से बी प्राक कैसे बना, कहानी बहुत दिलचस्प है। जितने दिलचस्प बी प्राक के गाने होते हैं ना, किंग ऑफ हार्ट ब्रेक्स हम उन्हें कहते हैं, मतलब जो दिलजले आशिक होते हैं उनकी प्लेलिस्ट बी प्राक के गानों से इन दिनों भरी हुई होती है। टॉप पे रहते हैं बी प्राक के गाने। लेकिन बी प्राक का दिल कितनी बार टूटा, आशिकी में टूटा या काम की वजह से टूटा? जनाब कहानी सुनेंगे ना तो बी प्राक के गानों की तरह दिल को छू जाएगी। असली नाम प्रतीक बच्चन, चंडीगढ़ में पैदा हुए। पापा वरिंदर बच्चन और चाचा सुरेंदर बच्चन, बच्चन फैमिली। भाई एक बॉलीवुड की बच्चन फैमिली है और एक पंजाब की बच्चन फैमिली है। बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, जी हाँ, तूतक 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 तूतियां से लेकर चंडीगढ़ करे आशिकी जैसे गानों में इनके पापा ने म्यूजिक दिया। फिर तो आसान रहा होगा इनका सफर आपको लग रहा होगा, लेकिन भैया वो 30 रुपए वाली कहानी अभी बाकी है, सुन लीजिएगा ध्यान से। बी प्राक बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन पापा को लगता था कि बेटे को सिंगर नहीं बनना चाहिए, म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहिए। और उसकी वजह यह थी कि मुंह से आवाजें निकालते थे, मुंह से म्यूजिक बनाते थे, कुछ कुछ बनाते रहते थे। तो पापा ने भी कहा कि बेटा देख, सिंगर बनने में बहुत पैसा लगता है, तू म्यूजिक डायरेक्टर बन जा, म्यूजिक सीख ले। उस वक्त कंप्यूटर से म्यूजिक बनने का जमाना जो है वो शुरू हो गया था। बी प्राक माँ के बहुत क्लोज थे, पापा स्ट्रिक्ट थे तो पापा से कह नहीं पाते थे, तो माँ से कहीं ना कहीं दिल की बात कही थी कि माँ सिंगर बनना है। तो माँ ने भी पिता को बताया, लेकिन फिर पिता ने समझाया, फिर पिता की जान पहचान थी और फिर पिता भेजते थे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, वहां 2-2 घंटे बाहर बैठे रहते थे। एक बार एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो गए, एक बंदे ने जो है इनको एक बुकलेट पकड़ा दी, बोला जी पढ़ो। फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मालिक आए, उन्होंने अपने उस कर्मचारी को बुला के डांटा कि ऐसे कैसे किसी को भी हम ट्रेनिंग दे लेंगे। ये तब था जब बी प्राक के पापा म्यूजिक डायरेक्टर थे, सोचिए। खैर रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस होते रहे होते रहे। बी प्राक AR रहमान के बहुत बड़े फैन थे, रहमान को घोट के पिया हुआ था बी प्राक ने, साथ ही फैन थे जैजी बी के। और जिन दिनों बी प्राक के सिर पर बाल हुआ करते थे ना, वो सलून जाते थे और बोलते थे जैजी बी कट कर दो। भाई पंजाब में जैजी बी कट, पंजाब क्या हिंदुस्तान में जैजी बी कट बड़ा मशहूर था। बी प्राक को जैजी बी जैसा बनना था, लेकिन राह आसान थोड़ी होती है। आखिरकार JB स्टूडियो में बी प्राक ने म्यूजिक बनाना सीखा, सरस्वती सिंह ने उन्हें म्यूजिक बनाना सिखाया। इसी दौरान उनके पापा उन्हें 30 रुपए देते थे, बोलते थे बेटा घर से स्टूडियो जाने का 10 रुपए किराया लगता है रिक्शे का, वापस आने का रिक्शे का किराया 10 रुपए और 10 में तो कुछ खा लियो। 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। पिताजी ने कहा भैया खुद तपो खुद बनो। बी प्राक म्यूजिक बना रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था, मतलब बनाते थे कोई काम करने को राजी नहीं होता था उनके साथ कोई बड़ा सिंगर या कोई बड़ा लिरिसिस्ट, तो समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। ऐसे में उन्हें जानी ने फोन करने शुरू किए। बी प्राक ने पहले तो फोन उठाए ही नहीं, मतलब बी प्राक को लगा यार ये भी स्ट्रगलर है। जानी को जानते थे, जानी से मुलाकात होती थी, जानी भी स्ट्रगल कर रहे थे। पाली गिद्दरबाहा एक कलाकार हैं पंजाब के, जिनके साथ जानी घुमा करते थे और बी प्राक उन्हीं के थ्रू जानी से मिले थे। तो जानी उन्हें 3-4 दिन से फोन कर रहे थे, तो बी प्राक ने फोन उठाया नहीं। फिर जाके जानी ने मैसेज किया कि पाजी मेरे पास एक प्रोजेक्ट है और पैसे मिलेंगे, मतलब मेरे पास पैसे हैं ऐसे ही नहीं कह रहा। फिर जाके बी प्राक ने जवाब दिया, आजा भाई बात करते हैं। उन्होंने कहा जी ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोजेक्ट है। उन दिनों बी प्राक एक गाना कंपोज करने के एक धुन के 10,000 रुपए लेते थे। जानी ने कहा मैं आपको 45,000 दूंगा।
ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोजेक्ट है, शराबी करके कोई म्यूजिक एल्बम थी, विपराक ने कहा भी पैसे मिल रहे हैं क्यों नहीं काम करेंगे, तो इनकी कोलैबोरेशन हुई। साथ ही हार्डी संधु भी आ गए, हार्डी संधु पहले से जानी को जानते थे, फिर इन्होंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया लेकिन वो प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाया। लेकिन उस प्रोजेक्ट का फायदा ये हुआ कि विपराक की मुलाकात जानी और हार्डी संधु से हो गई, साथ ही अरविंदर खैरा भी इनको उन दिनों मिले। इन चारों की जब जोड़ी बनी फिर इन्होंने गाना बनाया सोच तो परे, आप सब जानते हैं। जानी ने वो गाना लिखा और विपराक ने उसमें म्यूजिक दिया, हार्डी संधु ने उस गाने को गाया, अरविंदर खैरा ने उस गाने को डायरेक्ट किया और इस गाने ने इन चारों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जब ये गाना बना रहे थे तभी जानी और हार्डी संधु ने विपराक से कहा कि पाजी आपका नाम चेंज करना है। भाई विपराक का असली नाम तो प्रतीक बच्चन है, जब म्यूजिक डायरेक्टर बने तो नाम उन्होंने रख दिया प्रैकी बी, उन्होंने बच्चन का बी आगे लगा दिया, प्रैकी का प्राक पीछे कर दिया और प्रतीक बच्चन प्रैकी बी से बन गए विपराक। अब तक भी सिंगर नहीं बने थे, म्यूजिक दे रहे थे, म्यूजिक एक से बढ़कर एक फिर गाने हिट होने लगे भैया, अब सिंगर कैसे बने। 2015 में विपराक ने गाना बनाया मन परेया, इस गाने को हिंदी में लिखा गया था। अब विपराक ने धुन तो बना ली, फिर एक दिन जानी को बोला पाजी देखो इस पे कुछ लिख सकते हो, तो जानी ने भी कुछ लिख दिया और कुछ ही घंटे में गाना बन गया। 2015 में ये गाना उन्होंने बनाया, रख लिया अपने पास। उसके बाद कई लोगों ने उनसे ये गाना मांगा लेकिन विपराक ने गाना दिया नहीं, उन्होंने कहा इस गाने को मैं ही गाऊंगा, ठान लिया था। आखिरकार 2017 में उन्होंने ये गाना गाया एज अ सिंगर, उनका पहला गाना और जबरदस्त हिट हुआ। उन्होंने इसे हिंदी से पंजाबी कर दिया और मन परेया, उसके बाद तो विपराक के गानों से लोगों का मन कभी भरा ही नहीं। विपराक गाते चले गए, रिकॉर्ड्स बनते चले गए, उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म केसरी में तेरी मिट्टी में खो जावां गाया और इस गाने ने देशभक्ति की एक अलग ही अलख जगा दी। बहुत वक्त बाद एक ऐसा गाना सुनने को मिला जो देशभक्ति की एक नई मिसाल पेश कर रहा था। देशभक्ति के गाने हमारे जितने पुराने गाने आज तक मशहूर हैं लेकिन नए जमाने का एंथम बन गया ये। नेशनल अवार्ड विपराक को इस गाने के लिए मिला, फिर अक्षय कुमार के साथ इन्होंने और भी म्यूजिक वीडियोस किए, फिलहाल किया फिलहाल टू किया, सब के सब सुपरहिट रहे। विपराक और जानी ने गाना बनाया डू यू नो, दिलजीत दोसांझ उनके पास आए और उन्होंने पूछा भी कोई गाना है मेरे लिए, तो डू यू नो उनके पास था और कई लोग जो हैं इस गाने की डिमांड कर रहे थे, तो विपराक ने दिलजीत को बताया कि भाई डू यू नो गाना है, तो दिलजीत दोसांझ ने क्या किया उस पर अपना नाम लिख दिया दोसांझ, कि अब ये गाना दोसांझ का है और किसी का नहीं है। तो विपराक ने बहुत बड़े बड़े सिंगर्स के लिए म्यूजिक दिया, बहुत बड़े बड़े कलाकारों के लिए गाने बनाए और आज वो खुद गाने गाते हैं और उनके गाने रूह को छू जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि वो एक ही पिच पर गाना गाते हैं लेकिन विपराक ऐसा नहीं है, अलग अलग पिच पर भी उन्होंने गाने गाए हैं और वो भी बहुत हिट रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आए हैं। और विपराक को खाने का बहुत शौक है और खाने के साथ साथ कुकिंग का बहुत शौक है, तो उनका कहना है कि भाई मेरा जो गैंग है ना वो ये कहता है कि अगर पाजी सिंगिंग में कुछ नहीं भी हुआ ना आगे तो आप शेफ तो बन जाओगे, अच्छा खासा ढाबा खोल लोगे। और विपराक कहते हैं कि जब भी उनका कोई गाना किसी माइलस्टोन को छूता है, 5 मिलियन 10 मिलियन, भाई आजकल तो 5-10 मिलियन घंटों में हो जाते हैं उनके, जैसे जैसे आगे बढ़ता है 50 मिलियन 100 मिलियन 150 मिलियन, तो विपराक कोई ना कोई डिश जो है वो अपने हाथ से बनाते हैं और अक्सर हमने देखा है इंस्टाग्राम पर वो अपनी कुकिंग की तस्वीरें भी जो हैं शेयर करते रहते हैं। तो मन परेया से विपराक ने गायकी की शुरुआत की थी और लगता नहीं कि आसानी से लोगों का मन उनके गानों से भरने वाला है, क्योंकि उनका हर गाना सुपरहिट होता है और उसके बाद लोग फिर उनके अगले गाने का इंतजार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंतजार सालों साल यूं ही चलता रहेगा और विपराक हमें यूं ही शानदार गाने सुनाते रहेंगे।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।